नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक बहुत अच्छी इंट्राडे ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी, जिसको मैं खुद भी यूज़ करता हूँ और इसकी एक्यूरेसी मोर देन 80-90% है। आप इसको यूज़ करेंगे कुछ जो मैं आपको रूल्स बताऊंगा उनके साथ, तो आपका शायद ही कोई ट्रेड होगा जो गलत जाएगा। अगर हम बात करें अपने आज के कुछ ट्रेड्स की, तो मैंने आज सन फार्मा में आप लोगों को, जो चैनल के मेंबर्स हैं, उनको एक ट्रेड दिया था, तो उसके अंदर मैंने इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया। तो मैं आपको उसके एग्जांपल से इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा। पहले हम समझते हैं इस स्ट्रेटजी के कुछ कंडीशंस को, कुछ रूल्स को, जो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये स्ट्रेटजी काफ़ी सारे पेड कोर्सेज में, काफ़ी सारे प्रोफेशनल इंडिकेटर्स के साथ बढ़ा चढ़ा के सिखाई जाती है, बट ये बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। जिस तरह से मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप इसको यूज़ कीजिए और आपको देखेंगे कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपके ट्रेड 90% एक्यूरेट होने लग जाएंगे। तो दोस्तों, समझते हैं पहले इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स को, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इस स्ट्रेटजी की। तो दोस्तों, इस स्ट्रेटजी की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको चाहिए एक 2 मिनट्स कैंडल का चार्ट। 1 मिनट, 5 मिनट्स तो आपने सुना होगा, 2 मिनट कैंडल का आपको चार्ट चाहिए इस स्ट्रेटजी के लिए। अगेन दोस्तों, आपका जो ब्रोकर का प्लेटफॉर्म है, शायद वहाँ पे आपको ये अवेलेबल ना हो, या हो सकता है investing.com पे आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे भी ये अवेलेबल नहीं है। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप tradingview.com पे इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको जो चाहिए वो है 2 मिनट्स का चार्ट। सेकेंड रिक्वायरमेंट जो है इस स्ट्रेटजी की फ्रेंड्स, वो ये है कि आपको 20 SMA और 200 SMA चाहिए। 20 सिंपल मूविंग एवरेज और 200 एक्सपोनेंशियल, नहीं दोस्तों, सिंपल मूविंग एवरेज। और तीसरा जो आखिरी रूल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वो है राइट एंट्री और एग्जिट पॉइंट का आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है दोस्तों, ये जो रूल है ये इन जनरल किसी भी स्ट्रेटजी के लिए वैलिड है। आप स्ट्रेटजी को जानते हैं, आपका ट्रेड सही है, आप जल्दी निकल जाते हैं। आपको जो प्रॉफिट आना चाहिए था 10,000 का, आप हो सकता है 5,000 पे निकल जाएं। कई बार क्या होता है, आपकी एंट्री गलत होती है। आपने एंट्री गलत ली तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि आपको ऑन स्क्रीन हो सकता है कुछ टेम्परेरीली लॉस दिखाई दे, आप बेयर ना कर पाएँ, आप निकल जाएँ, और बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि आपका जो ट्रेड था वो तो ठीक था। तो दोस्तों, ये एक बहुत क्रिटिकल चीज़ होती है, आपको राइट एंट्री और एग्जिट पॉइंट मालूम होना चाहिए, जिससे आपकी ट्रेडिंग जो है वो ऑप्टिमाइज्ड हो जाती है। आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएंगे अपने ट्रेड्स में से, मिनिमम लॉस खाएंगे, तो आप हमेशा एक सही डिसीजन ले पाएंगे, आपके ट्रेड ज़्यादातर प्रॉफिटेबल होंगे। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी इस स्ट्रेटजी की। 2 मिनट्स का चार्ट, 20 और 200 डेज की SMA, और राइट एंट्री और एग्जिट पॉइंट पता होना चाहिए। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा भी कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी। अब दोस्तों, चलते हैं हम अपनी इसकी बाइंग और सेलिंग की कंडीशन पे, कि किस कंडीशन में हमको बाइंग करना होता है, किस कंडीशन में हमको सेलिंग करना होता है इस स्ट्रेटजी पे। दोस्तों, बाइंग के रूल्स को समझते हैं, सेलिंग के रूल्स बिल्कुल उससे उल्टे हैं। अगर हम बाइंग के रूल्स की बात करें, तो बाइंग का जो पहला रूल है दोस्तों, ये है कि 20 डेज की जो SMA है, मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन से 20 डेज और रेड कलर की लाइन से 200 डेज को प्लॉट कर रखा है। पहली रूल है कि 20 डेज की जो SMA है वो ऊपर होनी चाहिए 200 से। दूसरा रूल दोस्तों ये है कि दोनों की जो डायरेक्शन है फ्लैट टू पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी डिक्लाइनिंग नहीं होनी चाहिए SMAs। एक भी दोनों में से डिक्लाइनिंग होगी तो आपको ट्रेड नहीं लेना। आप देखोगे यहाँ पे 200 डेज पॉजिटिव है, बट 20 डेज जो है डिक्लाइनिंग है, तो यहाँ पे आपको बाइंग ट्रेड नहीं लेना। दोनों की डायरेक्शन फ्लैट टू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये था हमारा दूसरा रूल। दोस्तों, तीसरा रूल जो है वो है एंट्री पॉइंट का। तो आपकी एंट्री कब होती है, बाइंग आपको कब करनी है? तो दोस्तों, बाइंग आपको करनी है जैसे ही कोई 2 मिनट्स की कैंडल 20 डेज की SMA के ऊपर क्लोज कर दे। तो दोस्तों, जैसे आप देखोगे यहाँ पे 20 डेज की SMA के ऊपर एक 2 मिनट्स की कैंडल ने क्लोज किया इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपको बाइंग करनी है। अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो आप अपने ट्रेड में बने रह सकते हो जब तक कि 20 डेज की SMA के नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज ना करे। आप देखोगे कि प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आया, बट 20 डेज की SMA पे सपोर्ट लिया, फिर और ऊपर गया, तो आप अपने एग्जिट पॉइंट को कैरी करके रखिए। आप यहाँ पे मत निकल जाइए, आप यहाँ पे मत निकलिए, आप कैरी करके रखिए। आप देखेंगे कि आपको एग्जिट की अपॉर्चुनिटी सिर्फ यहाँ पे मिली, तो यहाँ के मुकाबले आपको यहाँ पे थोड़ा बेटर प्रॉफिट आया। तो ये है आपका राइट एग्जिट पॉइंट। कुछ और स्ट्रेटजीज को अभी मैं आपको समझाऊंगा, जिसकी मदद से आप बिल्कुल टॉप पे भी निकल सकते हैं। बट अगर आपको एक ट्रेड आपने किसी सेटअप पे लिया है, तो उसी सेटअप के हिसाब से एग्जिट या एंट्री लेनी चाहिए। तो इस सेटअप के हिसाब से जब रेड कलर की कैंडल 20 डेज की SMA के नीचे क्लोज करे, तो आपको अपने बाइंग ट्रेड से एग्जिट करना है। दोस्तों, अगर हम सेलिंग के केस की बात करें, सेलिंग कंडीशन की, तो सेलिंग के केस में आपको सिंपल रूल्स हैं इसके उल्टे। पहला,
कि 20 डेज की जो SMA है वो नीचे होनी चाहिए 200 के। दूसरा, दोनों ही SMA जो है डिक्लाइनिंग होनी चाहिए या फ्लैट होनी चाहिए, यानी ऊपर की तरफ नहीं होनी चाहिए। और सेल आपको कब करना है, जैसे ही कोई रेड कैंडल 20 डेज की SMA के नीचे क्लोज कर दे, यानी कोई SMA है ये मान लीजिए 20 डेज की, तो जैसे ही कोई रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दे आपको इस पॉइंट पे सेल करना है। अगेन इसकी डायरेक्शन उस टाइम पे नीचे होनी चाहिए और 200 डेज की SMA ऊपर होगी। तो ये था दोस्तों आपका सेलिंग का केस। अब हम समझते हैं सन फार्मा के चार्ट पे कि कैसे आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते थे। दोस्तों एक मैं आपको यहाँ पे इनसाइडर टिप दूंगा, यहाँ पे आप अपने चार्ट पे नॉइज़ को कट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो हैकिनिशी कैंडल्स को, जो बहुत अच्छा काम करती है इस स्ट्रैटेजी के साथ मिक्स करके। हैकिनिशी कैंडल्स क्या होती है, कैसे यूज़ करते हैं, उस पर मेरा डेडिकेटेड वीडियो है, आपको देखना हो तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाके देख के उसको सीख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर हैकिनिशी कैंडल्स को करूँगा तो आप देखोगे कि कैसे जो चार्ट है काफ़ी क्लीन हो जाता है, चार्ट पे नॉइज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब दोस्तों आपको बाइंग कहाँ पे करनी थी, आपको बाइंग करनी थी जैसे ही कोई स्टॉक की कैंडल 2 मिनट्स की 20 डेज के ऊपर क्लोज करे, तो ये आपका बाइंग पॉइंट था। आप देखोगे कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक रेड कैंडल दिखाई दी हैकिनिशी पे। हैकिनिशी पे एग्जिट की कंडीशन होती है जैसे ही 2 रेड कलर की कैंडल्स बन जाए हैकिनिशी पे। तो दोस्तों आप देखोगे 2 रेड कलर की कैंडल्स यहाँ पे कहीं पे बनी, तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करते, जो कि आपको रेगुलर कैंडल्स के मुकाबले बेटर रिजल्ट देता। आप दोबारा री एंट्री कर सकते थे यहाँ पे फ्रेंड्स, और आप यहाँ पे दोबारा एग्जिट कर सकते थे। इस तरह आप 2 दफ़ा इंट्राडे ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते थे। उसके अलावा आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे सेम रूल्स के साथ, और यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते थे। अब दोस्तों रही एक इनसाइडर टिप और, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पेड कोर्सेज में बहुत सारे प्रोफेशनल लोग जो ये सिखाते हैं वो बताना भूल जाते हैं, नहीं जानते वो। इसके लिए दोस्तों एक बात मैं आपको पहले बताऊंगा, जो ये जो दोनों लाइंस के बीच में गैप होता है 20 डेज और 200 डेज, इनके बीच में जो गैप होता है ये ट्रेंड की मैच्योरिटी बताता है। यानी जब ये गैप बहुत कम होता है तो हम मान सकते हैं कि ट्रेंड अभी नया नया स्टार्ट हुआ है, और जब ये गैप काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम मान सकते हैं कि ट्रेंड अब मैच्योर होने वाला है। तो आपको जब इनके बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा है उस टाइम पे बाइंग केसेस को अवॉइड करना है, वरना आपको लॉस हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। दोस्तों ये था कल का चार्ट, अभी हम आज के चार्ट पे चलते हैं। आज क्या हुआ दोस्तों, कल से आज में सन फार्मा काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि एक अच्छा खासा अपमूव दे चुका था। उसके बाद अगर आज आपने बाइंग किया होता तो आपको ये दिक्कत आती इस स्ट्रेटेजी पे, क्योंकि आपको बार बार सेल और बाय ट्रिगर होता रहता। हम देखते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे बाइंग करते सोच के कि 20 डेज के ऊपर निकला, और जस्ट ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे घूम जाता। आप दोबारा बाइंग करते दोबारा प्राइस नीचे घूम जाता, आप दोबारा बाइंग करते दोबारा प्राइस नीचे घूम जाता, ऊपर नीचे, और आपको कई बार लॉस भी हो सकता था। तो दोस्तों इसके पीछे कारण क्या थे, इसके पीछे कारण दोस्तों यही थे कि इनके बीच में यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जब दोनों ये लाइंस पास पास थी, जैसे ही स्टॉक ने इसको काटा आपने बाइंग किया होता तो कोई खतरा नहीं था, आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आ गया होता। बट यहाँ पे इनके बीच में गैप ज़्यादा है, यानी अपमूव जो आना था मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट आ चुका है। अब सिर्फ एक ट्रेंड जो है वो मैच्योर हो गया है, अब वो दोबारा से स्टॉक रेस्ट लेगा बिफोर गिविंग अनदर गुड अपमूव। हम देखते हैं इसके बाद आगे क्या हुआ। दोस्तों आप देखोगे कि आगे आज जब इन दोनों के बीच में गैप दोबारा से कम हुआ, स्टॉक कंसोलिडेट करता रहा, फाइनली जब गैप कम हुआ दोनों ऐसे में इसके बीच में, एंड फाइनली यहाँ पे 20 डेज की ऐसे में भी ऊपर गई, 200 भी ऊपर थी, 20 डेज को 200 को दोनों को इस कैंडल ने, 2 मिनट की कैंडल ने यहाँ पे काटा। अगर आप यहाँ पे बाइंग करते दोस्तों 525 के आसपास, तो आपको 540 तक का प्राइस का देखने को मिल गया होता, एंड आपका ट्रेड अभी भी कंटिन्यू है। आप पोजिशनल प्लेयर हैं तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट वहाँ पे आपको कुछ और एनालिसिस को भी देखना पड़ेगा कि भाई स्टॉक कहाँ पे है, किसी रेजिस्टेंस के पास में तो नहीं है, बट आप इसको पोजिशनली भी यूज़ कर सकते हैं। बट अभी हम इंट्राडे के हिसाब से समझ रहे हैं, तो आपको मैंने बताया इस इंपॉर्टेंट चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब दोनों SMA पास में है और तब स्टॉक उसको काटता है तो वो ट्रेंड की शुरुआत बताता है आपको। अगर आप वहाँ पे एंट्री ले सकें तो बहुत अच्छा है, आपको 90% से ज़्यादा चांस है कि आपका ट्रेड सही जाएगा और बहुत क्विकली आपको अच्छा मुनाफा आएगा। और यहाँ पे आपको अगर डर लगता है कोई रेड कैंडल्स देख के कि भाई ये रेड कैंडल बन गई एग्जिट करना चाहिए कि नहीं, तो यहाँ पे आप इस डर को मिटाने के लिए हैकिनिशी को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ये सारा का सारा नॉइस कट हो जाएगा और आपको डायरेक्टली टॉप के आसपास एग्जिट करना है जहाँ पे 2 रेड कंटिन्यूस कैंडल्स बने हैकिनिशी पे। तो ये आपका एग्जिट पॉइंट होता अगर आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री लेते, 524 पे आप एंट्री लेते और ऑलमोस्ट 540 से थोड़ा सा नीचे आप एग्जिट करते, तो आपको इतना अच्छा इंट्राडे में प्रॉफिट आ गया होता दोस्तों। तो आप इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कीजिए, कुछ स्टॉक्स पे ट्राई कीजिए, सभी रूल्स को ध्यान से नोट करके फॉलो कीजिए,
उम्मीद करता हूँ आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी। दोस्तों इस तरह की और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ और बहुत सारी काम की चीज़ें स्टॉक मार्केट में जो पैसा कमाने के लिए आपके एक्चुअली काम आती है, बैक टेस्टेड ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजीज जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं सिखाता हूँ अपने वेबिनार्स में। अगर आप मेरे से स्टॉक मार्केट के बारे में और ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप मेरा वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बारे में जानकारी के लिए अगला वेबिनार कब है, क्या फ़ीस है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स दे रखी है, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।